दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फोन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रैम मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह फोन 4GB वर्जन का हो या 6GB रैम वर्जन का हो। जी हाँ दोस्तों, रैम मैनेजमेंट बढ़िया होने से आपकी एप्स रीलोड नहीं होंगी, आपका टाइम बचेगा और तो और बैटरी कंजम्पशन भी कम रहेगी। ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे Redmi Note 7 Pro की रैम मैनेजमेंट कैसी है, क्या ये अच्छी है या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम हरजोत है दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा और तो और कमेंट कीजिए, कुछ फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रैम मैनेजमेंट टेस्ट शुरू करने से पहले मैं एक नजर डॉट नॉच की तरफ डालूंगा। आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन क्लीन नहीं है, लेकिन एजेस थोड़े से ब्लैक हैं। ये इशू ASUS Zenfone 5Z में भी था। अगर कभी आप उसकी बॉटम स्क्रीन देखें तो वहां पे भी आपको यह चीज दिखेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे रैम मैनेजमेंट टेस्ट की तरफ। सबसे पहले हम मेमोरी क्लीन कर लेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐप ओपन नहीं है। दोस्तों अब सबसे पहले हम जो ऐप ओपन करेंगे वो है रियल रेसिंग 3। जी हाँ दोस्तों, ये एक रेसिंग ऐप है और बहुत ही लोकप्रिय है। अगली ऐप जो हम ओपन करेंगे वो है स्काई फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय गेम है, ये एक शूटिंग गेम है। अब हम चलते हैं टेंपल रन की तरफ। हमारी चौथी गेम रहेगी सबवे सर्फर। ना जाने कब आएगा 6GB का वर्जन, भगवान ही जाने, Xiaomi की माया कोई ना समझ पाया। चलिए मी स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर, तो जी हाँ दोस्तों, अब हम हमारी सारी ऐप्स को दोबारा से लोड करेंगे और देखते हैं कौन सी ऐप रीलोड होती है और कौन सी मेमोरी में रहती है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियल रेसिंग 3 के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये रीलोड हो गई है, आप देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि लैग फिर से है। हम मेन स्क्रीन में, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है गेम का। मैंने पहले कभी Xiaomi के डिवाइसेस का ये इशू नहीं देखा है। स्काई फोर्स, ये भी रीलोड। चलिए टेंपल रन 2 की तरफ चलते हैं, ये भी रीलोड। चलिए सबवे सर्फर ओपन करते हैं और ये भी रीलोड। जबोंग, जी हां दोस्तों, ये भी रीलोड।
ओके मंत्रा मेमोरी में थी और फ्लिपकार्ट भी एम आई स्टोर की तरफ चलते हैं ये भी मेमोरी में है प्ले स्टोर क्लॉक और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कैमरा जी हाँ दोस्तों कैसा लगा आपको Redmi Note 7 Pro का RAM मैनेजमेंट टेस्ट अगर आप उससे पूछे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाइज डिवाइस बहुत ही केपेबल है लेकिन RAM मैनेजमेंट टेस्ट बिलो एवरेज रही मोस्ट ऑफ द गेम्स वर रीलोडिंग और जो गेमर्स हैं उनके लिए ये बढ़िया नहीं क्योंकि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप गेम के मिडल में हैं या लास्ट स्टेज पे हैं एंड ऑफ द स्टेज पे हैं और मल्टीपल एप्स के दौरान आप स्विच करते हैं किसी और ऐप पे जब आप गेम पे वापस आएंगे रीलोड करेंगे और तब आपको वो स्टेज दोबारा से करनी पड़ेगी खैर Xiaomi अगर इसे पॉजिटिवली लेता है तो इम्प्रूव कर सकता है और वह करते भी हैं एक चीज और दोस्तों एक अपडेट आ रखा है Xiaomi का जो कि 450 MB का है देखता हूं उसके बाद क्या रैम मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है तो देखते हैं कैसा रहेगा तो दोस्तों होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा आपका फीडबैक भी दीजिएगा वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में तो दोस्तों मेरा नाम हर्षवर्धन है आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट्स जय हिंद नमस्कार